गुड मॉर्निंग किड्स, दिस इज योर हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, शब्द लेखन एंड लेट्स स्टार्ट। किड्स, ओपन पेज नंबर 9, मेंशन डेट, कक्षा कार्य एंड स्टार्ट योर वर्क। अभी पहले हमने यहाँ खाली तक वर्क कर रखा था, अब आगे का वर्क करेंगे, ठीक है। और आप मैम ने वन पेज आपको होमवर्क दिया था, इस पेज में हमें त तरबूज से स्टार्ट करना है। त तकिया, त व्यंजन, त से शुरू करेंगे। चलिए मैम को ही फॉलो करेंगे आप। स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइन, स्मॉल स्लीपिंग एंड देन स्ट्रेट स्लीपिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग अगेन स्ट्रेट स्लीपिंग लाइन। मैम ने दो बार इसको लिख दिया है त को। अब नीचे के 3 टाइम्स आप अपने आप लिखोगे। नाउ कम ऑन थ। थ के लिए आप स्टैंडिंग लाइन करोगे, यहां पर सर्कल जैसे 0 लिखते हो ना, आप 0 लिखोगे इसको थोड़ा सा आगे, एंड देन कि मैं आपको बता रही हूं स्टैंडिंग लाइन कर्व थोड़ा सा आगे थ। केन आप यहां पे रिपीट करोगे। नेक्स्ट इज द, के लिए स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, फिर आपको देखो ट टमाटर की तरह कर्व करना है ना, कर्व लाइन। देन इसकी टेल द, अगेन मैम आपको रिपीट करा रही है, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन ट टमाटर एंड देन आपको इसकी टेल, यहां पे आप रिपीट करोगे ध स्टैंडिंग लाइन। अब आपने घ घर लिखा था ना, घ घर की तरह ही आपको ऐसे लिख के यहां पे इसको टर्न कर देना है। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। अब एक है स्टैंडिंग लाइन लिख के थ थर्मस की तरह से कर्व करते हो, स्मॉल ऐसे कर्व करके यहां पे इसको अगेन कर्व लाइन ध। नाउ कम ऑन न, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन एंड आप इसको राउंड नहीं करोगे, इसको वी फॉर वैन की तरह करोगे, ठीक है। देखिए अगेन मैम कैसे लिख रही है, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन एंड वी फॉर वैन। किड्स टर्न नेक्स्ट पेज 10, ठीक है। आपको 10 पेज अब ओपन करना है, डेट मेंशन करनी है, कक्षा कार्य लिखना है। यहां पे हम लिख रहे हैं प व्यंजन, स्टार्ट करिए मैम के साथ स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे स्मॉल स्टैंडिंग लाइन और इसको कर्व के साथ मैच करना है। अच्छा हम लोग क्या है थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, इसको 4 की तरह लिखते हैं, बट ये 4 की तरह नहीं लिखा जाता। स्मॉल आपको स्टैंडिंग लाइन करनी है, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन करके और इसको कर्व से मैच करना है, ठीक है। प, नाउ कम ऑन फ, स्टैंडिंग लाइन प पतंग की तरह से ही कर्व करना है, फिर इसको क कबूतर, हाफ प पतंग एंड हाफ क कबूतर, फल स्टैंडिंग लाइन हाफ प एंड हाफ क। नाउ कम ऑन ब व्यंजन, स्टैंडिंग लाइन सर्कल एंड देन इसको कट करना है, ब स्टैंडिंग लाइन कर्व देन स्लैंटिंग ब। नाउ कम ऑन भ, देखिए मैम स्टेप बाय सिखा रही हैं आपको। ग गमला लिखने के बाद आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। फिर इसको यहां पे इसकी स्लीपिंग लाइन निकाल के और इसको यहां पे ऐसे टर्न कर दीजिए भ। अगेन मैम आपको बता रही हैं स्टैंडिंग लाइन ग गमला की तरह लिख के फिर ऐसे म की तरह लिख के और इसके हेड पे ऐसे इसको टर्न करना है भ। नाउ कम ऑन म, अगेन हम वही स्टेप फॉलो करेंगे जो भ के लिए भी किया था। देखिए ये ग गमला की तरह आपने लिखा और इसको स्टैंडिंग लाइन से मैच कर दिया म। अगेन किड्स पेज नंबर 9 एंड 10 इज डन। आपको ये क्लास वर्क में करना है
और नेक्स्ट पेज 11 एंड 12 इज योर होमवर्क। बट 12 पेज में आपको ओनली ह व्यंजन तक करना है, ठीक है? आपको ये पूरा पेज नहीं करना, ओनली ह व्यंजन तक करना है आपको पेज नंबर 12 में। ओके किड्स, बाय फॉर नाउ। एंड आप अपना डेली टू डेली वर्क करने की कोशिश करा करिए, पेंडिंग वर्क मत करना, ठीक है? बाय किड्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।